नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड में होली पर साफ रहेगा मौसम, अगले 7 दिनों तक नहीं होगी बारिश। 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान। सोमवार को देर रात झारखंड के कई हिस्सों में कई मध्यम दर्जे की बारिश के बाद से आज मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। सुबह से ही धूप निकली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जारी बुलेटिन के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य का मौसम सामान्य रहने वाला है। धूप का भी असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। आज से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। मौसम पूर्वानुमान की रिपोर्ट के अनुसार आज से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी आने वाले पूरे सप्ताह रहेगी। इस वजह से लोगों को गर्मी के मौसम के शुरू होने का एहसास भी हो जाएगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 26 से 31 मार्च तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। हर दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, ऐसे बढ़ती जाएगी गर्मी। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहने के साथ साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। 27 मार्च को अधिकतम तापमान 35 तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 28 मार्च को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 29 मार्च को सबसे अधिक गर्मी का महसूस होने वाली है। इस दिन अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। 30 मार्च फिर से छा सकते हैं बादल। मौसम के अनुसार एक बार फिर सामान्य परिवर्तन 30 मार्च में देखने को मिल सकता है। इस दिन बादल छाने और मौसम में शुष्क रहने का पूरा अनुमान है। बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है, लेकिन बादल का असर अधिकतम तापमान पर पड़ेगा। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में बादल छा सकते हैं। इन जिलों में गर्मी भी दूसरे जिलों के मुकाबले अधिक लगने वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।